नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेन ज्ञान में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हबीबगंज न्यू दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस और कानपुर न्यू दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस के कंपैरिजन के बारे में बात करेंगे। दोनों ट्रेन कहां से कहां तक चलती है, क्या ट्रेन नंबर है, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है, एवरेज टाइम, स्टॉप्स, कोचेज, लोकोमोटिव, टाइमिंग्स, रूट्स कौन कौन से हैं और क्या क्या इसकी खास बात है ट्रेन की, क्लीननेस कैसी है, पंक्चुअलिटी और लास्ट में बात करेंगे इसके रेटिंग की। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को फटाफट। तो पहले बात करें हबीबगंज न्यू दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस जो कि भोपाल शताब्दी के नाम से भी जानी जाती है। ये ट्रेन ऑपरेट करती है 12001/02। ये दिल्ली सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन है जो कि हबीबगंज जो भोपाल मध्य प्रदेश में पड़ता है वहाँ से न्यू दिल्ली के बीच चलती है। ये जो ट्रेन है दोस्तों इंडिया की सेकेंड फास्टेस्ट ट्रेन है आफ्टर गतिमान एक्सप्रेस। ये नॉर्दर्न रेलवे जोन के अंदर ट्रेन आती है। अब बात करें कानपुर न्यू दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस और इसका दूसरा नाम है कानपुर रिवर्स शताब्दी। ये जो है ट्रेन ऑपरेट करती है 12033/34। ये जो ट्रेन है दोस्तों ये ट्रेन जो है डेली है बट संडे के दिन ये ट्रेन नहीं चलती जो कि कानपुर सेंट्रल जो पड़ता है यूपी के अंदर वहाँ से दिल्ली के बीच चलती है। ये नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जोन के अंदर ट्रेन आती है। अब बात करें हबीबगंज न्यू दिल्ली की डिस्टेंस ट्रेवल की तो ये करीबन करती है 707 किलोमीटर का, वो भी 8 आवर 30 मिनट्स में। इसके करीबन 8 स्टॉप्स हैं जबकि कानपुर रिवर्स शताब्दी करती है 437 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल, वो भी 4 आवर 55 मिनट्स में। इसके करीबन 3 स्टॉप्स हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी कोचेस की तो दोनों में ही LHB डेक्स के कोचेस यूज़ होते हैं जिसमें से एग्जीक्यूटिव चेयर कार और AC चेयर कार साथ साथ 2 EOG का यूज़ होता है। अब बात करें ऑपरेटिंग स्पीड की तो भोपाल शताब्दी की है 90 km/h इंक्लूडिंग हॉल्ट और 150-155 km/h मैक्सिमम है जबकि कानपुर रिवर्स शताब्दी की 82 km/h मिनिमम क्लोडिंग हॉल्ट स्पीड है और 130 km/h मैक्सिमम है। अब बात करें दोनों ही रूट्स की और ट्रेन हॉल्ट्स की तो भोपाल शताब्दी जो है हबीबगंज से निकल के भोपाल जंक्शन झांसी आगरा कैंट होते हुए न्यू दिल्ली पहुंचती है जबकि कानपुर रिवर्स शताब्दी जो है कानपुर सेंट्रल से निकल के अलीगढ़ गाजियाबाद होते हुए न्यू दिल्ली पहुंचती है। लोकोमोटिव की बात करें दोस्तों तो दोनों में ही गाजियाबाद शेड का W5 या W7 का लोकोमोटिव मोस्टली यूज़ होता है कानपुर सेंट्रल वाले में और मोस्टली तो वैसे दोनों में W5 का यूज़ होता है बट कभी कभार W7 कानपुर शताब्दी में यूज़ हो जाता है जब अवेलेबल ना हो लोको। उसका टाइमिंग्स की बात करें दोस्तों तो 12001 जो कि है भोपाल शताब्दी हबीबगंज से दिन में 3 बजे निकलती है और करीबन 11:30 बजे रात में न्यू दिल्ली पहुँच जाती है। फिर 12002 जो है न्यू दिल्ली सुबह 6 बजे निकलती है और 2:25 पे हबीबगंज पहुंच जाती है। फिर 12033 जो है कानपुर रिवर्स शताब्दी जो है कानपुर सेंट्रल से सुबह 6 बजे निकलती है और 11:20 पे न्यू दिल्ली पहुंच जाती है। और फिर 12034 जो है न्यू दिल्ली से करीबन 3:50 पे निकलती है और कानपुर सेंट्रल 8:45 पे रात में पहुंच जाती है। अब बात करें ओवरऑल क्लीननेस के बारे में तो दोनों ही ट्रेन में आपको अच्छी साफ़ सुथरी मिलेगी क्योंकि एक तो प्रीमियम ट्रेन है इसीलिए। पंचुअलिटी की बात करें तो दोनों ही ट्रेन इस रूट के लिए एक्सीलेंट ट्रेन है, आप सफ़र कर सकते हैं, टिकट आपको इजीली दोनों में मिल जाएंगी। हाँ बट कानपुर शताब्दी में हो सकता है आपको रश थोड़ा ज़्यादा देखने को मिले। सेफ्टी की बात करें तो सेफ्टी दोनों में ही अच्छी है। रेटिंग्स की ओवरऑल बात करूँ दोनों में मैं 5 रेटिंग दूंगा क्योंकि दोनों ही बहुत अच्छी ट्रेन है इस रूट की। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, आपको पूछना है।